अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, गुरु आज कैसे गुड डेट 3 जून 2020 क्लासिक सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक रीयूजिंग द वेस्ट सब टॉपिक में क्वेश्चन आंसर वो ब्रो तुम थोड़ा बहुत अत बारे में इंफॉर्मेशन वी कैन यूज आवर अवेलेबल रिसोर्सेज बाय रीयूजिंग द वेस्ट हा हेको पन तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज बचाइत कम सत बाय रीयूजिंग द वेस्ट अगर वेस्ट मवाद रीयूज करो इस्तेमाल मज आन दैट इज कलेक्टेड एवरी डे इस प्रत दो जमा कर इन आवर विलेज सान गामों मज टनों मज सिटीजों मज वी शुड रीयूज द वेस्ट इंस्टेड ऑफ बर्निंग हेको रीयूज कर इस्तेमाल मज बन दोबार इंस्टेड ऑफ बर्निंग जाल बजाय अगर ये जमा करो ब्रुख पकनो कनो इट बिकॉज बर्निंग ऑफ रबिश क्रिएट्स पोल्यूशन दतीज ना अगर ये जालो ये अमें पोल्यूशन यानी एयर पोल्यूशन द प्रोसेस बाय विच वी मेक वेस्ट रीयूजेबल इज कॉल्ड रिसाइकलिंग दपा सो प्रोसेस ये प्रोसेस जरिए ये वेस्ट प्रोडक्ट रीयूजेबल ई करना रीयूजेबल ई करना यानी दोबार ये इस्तेमाल मज अन इज कॉल्ड रिसाइकलिंग अत प्रोसेस वन रिसाइकलिंग यानी गंद मवाद योर नमो टीन गिलास प्लास्टिक वगैरह वगैरह ये बड़े बड़े कारखानों मज वा ती बे नए सर ये नो शेप अत दिन मिसाल के तौर पर होम गारबेज कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इस घर मज गंद मवाद नेरा अमे हेको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर वाटर फ्रॉम सीवेजस कैन बी रीयूज्ड आफ्टर ट्रीटमेंट इस सानों नालों नालों मज ड्रेनों मज आब नेरा यह सब हेको रीयूज कर नए सर इस्तेमाल मज अन आफ्टर ट्रीटमेंट ये सही तरीकस मज मतलब साफ ई कर वेस्ट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक न्यू पेपर दपा यम वेस्ट पेपर जाय झन कागज कर लिखम वगैरह यह हेको इस्तेमाल मज दोबार अन ब्रोकन गिलास कैन बी मोल्डेड इन टू न्यू आइटम्स दपा यम गिलास यानी गो शीश गरम फटान पे कन ब्रोह पकना बोतल यानी गिलास वगैरह अम आइटम ये ब्रोह ना कना ब्रोह बे बड़े बड़े कारखानों मज वाना तो अति नए सर चीज तैयार कर मुख्तलिफ आइटम अत पे बना पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड पोल्यूशन हेको रुकित बाय रिसाइकलिंग द वेस्ट इस पर रिसाइकल करो अत वेस्टस यानी ये सोजो ब्रो अक जे पे जे पकन इन कारखान कुन अति हेको पोल्यूशन पे कंट्रोल कर क्वेश्चन नंबर वन वाई शुड वी रिसाइकल थिंग्स क्या कर रिसाइकल थिंग्स तो क्या पजन कर वी शुड रिसाइकल थिंग्स टू सेव रिसाइकल कर थिंग्स टू सेव बचा खुद आवर अवेलेबल रिसोर्स बचा खुद कर रिसाइकलिंग ऑफ थिंग्स समझ व्हाट इज इजी टू रिसाइकल प्लास्टिक और मेटल दपा सारे खुद सहल क्या रिसाइकल कर प्लास्टिक किन मेटल मेटल आंसर मेटल कैन बी रिसाइकल इजली मेटल हेको आराम सान रिसाइकल कर क्वेश्चन नंबर 3 वाई इज प्लास्टिक डेंजरस फॉर हेल्थ दपा तुम सो प्लास्टिक क्या सान सेहत खुद मजिर यानी खतरनाक वजह क्या आंसर पॉइजनस केमिकल्स लीक फ्रॉम प्लास्टिक दपा अम ना जहरीली केमिकल्स तम केमिकल ना इंसान सेहत खुद मजिर एंड गेट इन टू वाटर यह सब आब स मेकिंग इट अनफिट फॉर यूज यह बना अत यानी आलूद झना कर मल झना कर चेनस खुद हेको इस्तेमाल पत कर डे टू डे लाइफ मज हम इस्तेमाल कर केयरलेसनेस थ्रोइंग ऑफ प्लास्टिक लापरवाही सान प्लास्टिक दिवान दड़ित गर ओन कह चीज प्लास्टिक अत लिफाफस मज बैगस मज तुल लिफाफ छो नबर चीज कोड़ नबर लो नबर दड़ित आंगनस कुन या वत मज तो अम चीज पजन अर कर् द बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकलिंग थिंग्स केयरलेसनेस थ्रोइंग ऑफ प्लास्टिक लापरवाही सान सना प्लास्टिक त्रित वत मज आंगनों मज सहनस मज वगैरह इज आल्सो वेरी हार्मफुल यह सब सान खुद मजिर सेहत क्वेश्चन नंबर 4
What are the benefits of recycling paper? दपा अगर तुम वो अस कम फायदे अगर पेपर करो रिसाइकल By recycling paper, we can save our forests. इस पर पेपर करो रिसाइकल हम जंगल बच फॉरेस्ट कैन ब्रिंग एनवायरमेंटल बैलेंस दपा अगर से फॉरेस्ट गंजान गन वगैरह सठा तो अम सो एनवायरमेंटल बैलेंस रोजान बराबर यानी अस अमी फॉरेस्टो मज मतलब ताज़ा हवा मिलान इस सानी सेहत खातिर असल अच्छा क्वेश्चन नंबर पांच देयर आर टू वेज ऑफ रिसाइकलिंग ग्लास व्हाट आर दे दपा जो तरीक आम किताब मज वन यानी रिसाइकल हिंद खातिर ग्लास रिसाइकल करने खातिर व्हाट आर दीज तुम क्या वी यानी पीपल वी पीपल थ्रो बोटल्स इन कंटेनर्स कंटेनर मज कर बड़े बड़े शहर मैं यपर कि एरिया मज कहने बड़े बड़े शहर मज सिटीज मज़ कंटेनर आ लगित इन मज तुम जमा कर द बोटल बैंक्स रिकवर 50% ऑफ ग्लास दैट दीज कंट्रीज नीड दपा अम कंटेनर हाँ 50% मतलब जमा कर किस्म कंट्रीज जरूरत द ब्रोकन ग्लास कैन बी रिमिटेड इन फॉरेंसेस एंड देन शेप्ड इनटू न्यू बोटल्स आर अदर थिंग्स दपा अम बोटल्स पड़े बड़े कारखानों मन अत नव शेप नये नये चीजन मज दिन नो यो बनान क्वेश्चन नंबर सिक्स फॉर व्हाट पर्पज कैन वेस्ट वाटर बी इजली रीयूज दपा फॉर व्हाट पर्पज किम खातिर कैन वेस्ट वाटर गंद आब जाय आब गुमत मल आब बी इजली रीयूज हेको ये आराम सान रीयूज कर ठीक से वेस्ट वाटर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर आफ्टर प्यूरिफाइंग इट ये ये साफ यी कर हेको पे एग्रीकल्चर मज यानी आपूर्ति मज हेको इस्तेमाल कर खहन वारे इस्तेमाल मज यह आब अनि क्वेश्चन नंबर सत्त मेंशन द एफर्ट्स दैट इंडिया इज मेकिंग इन रिसाइकलिंग थिंग्स दपा कम एकदम इंडियन कम एकदम से तुलम इज मेकिंग इन रिसाइकलिंग थिंग रिसाइकल चीज कर चीज दुबार नयसर बनान मज कम एकदम हिंदुस्तान तुलम इन इंडिया To utilize and recycle the waste through treatment plants. दपा अम खुत आम तुम तुम प्लान बन तुम प्लान बनाना जान चीज वातना पत् नए सर इन नो नो शेप दिन खुद तौत वातान यानी नीरिश तथा वन हिंदुस्तान मज बोड बार प्लान यह जाए चीज नए सर शेप मजान नेशनल नीरी क्या नेशनल इनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट इज इन इन्वॉल्वड इन डेवलपिंग ये आम इन्वॉल्व आमुत कर इन डेवलपिंग सूटेबल टेक्नोलॉजीज यानी सूटेबल टेक्नोलॉजीज अम खुद आमुत ये अत डेवलप इन्वॉल्व कर डेवलपमेंट खातिर टेक्नोलॉजीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट इस अत वेस्ट प्रोडक्ट ट्रीटमेंट दिवान नो शेप दिवान नए 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 तर्ज बनाना थैंक्स आज गई सन पगह वो बाकी इंशाल्लाह।